अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज़ वीडियो इज़ एक्चुअली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों की वजह से क्या होता है कि इतनी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है कि सर से लेकर पाँव तक ड्राइनेस ही ड्राइनेस टपक रही होती है। इवन कि मसला मेरे साथ भी होता है, बच्चों के साथ भी होता है, स्पेशली वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं और उनकी चीक्स ना ऐसे अजीब सी हो जाती हैं, लाइक क्रैकी टाइप, और कुछ समझ नहीं आता। फिर हम क्या करते हैं कि उनके बस मुँह के ऊपर लोशन लगाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 3 टिप्स शेयर करूंगी, जिनका आप फॉलो करेंगे तो आप लोगों की ड्राइनेस इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और यही वो टाइम है कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट गेट स्टार्टेड। सो टिप नंबर 1 इज़ अबाउट योर लिप्स। लिप्स साइड से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस आ जाती है लिप्स पर, और दूसरी बात बहुत ज़्यादा क्रैकी हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेमेडी शेयर करूँगी। आप लोगों ने क्या करना है कि मैं सिर्फ बताऊँगी भी नहीं, वीडियो भी लगाऊँगी या साइड पे मैं वीडियो लगा दूँगी तो उससे आप लोगों को भी समझ आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने चुकंदर लेना है, क्या कहते हैं इंग्लिश में, बीट रूट। क्योंकि आप लोग अगर ज़्यादा बनाओगे ना तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल भी नहीं रख सकते, क्योंकि नेचुरल चीज़ इसमें जाएगी तो ये आपका 5 से 6 दिन गुजरेंगे इसके साथ, लेकिन वो 5 से 6 दिन बेस्ट गुजरेंगे, ट्रस्ट मी। तो आप लोगों ने क्या करना है, हाफ सा ले लेना है बीट रूट, ठीक है। उसमें 1/2 कप पानी डालना है, 1/2 कप से ज़्यादा डालने की ज़रूरत ही नहीं, उसको ग्राइंड कर लेना है। देन उसमें से उसका जो सारा रस होगा, जूस होगा, उसको निकाल लेना है, और निकालने के बाद आप लोगों ने उसको चूल्हे पर रख देना है। और जब वो उसके मतलब अंदर एक उबाल आ जाए, बॉयल होने लगे वो, तो उसके अंदर आप लोगों ने कॉर्नफ्लावर डाल लेना है। लेकिन ऐसे कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं कर देना, उससे क्या होगा, उससे फिर लम्स बन जाएंगे और वो सारा आपका जो मेहनत है वो वहीं ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि जो कॉर्नफ्लावर होगा ना 1 चम्मच, आप लोगों ने उसको पहले ठंडे पानी में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने उसमें ऐड करना है और साथ साथ चम्मच चलाते ही जाना है, ठीक है। 1 मिनट के बाद आप लोगों का बिल्कुल वो सारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा, आपके लिप्स के लिए बहुत ही मज़ेदार सा ना लिप बाम बन जाएगा, जो आपके पिंक लिप्स को बहुत नेचुरली हील करेगा और बहुत नेचुरली पिंक कर देगा। मैंने बना के रखा हुआ है इसको, जो मैंने साइड पर वीडियो चलाई थी, असल में मैंने ही बनाया था। सो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैंने इसको बना के इसमें स्टोर कर लिया था, ये इग्नोर माई हैंड क्योंकि मैं तैयार हुई थी तो बहुत ख़राब हो गया। अच्छा, तो मैंने इसमें बना के इसको स्टोर कर लिया था। ये मॉइस्चराइज़र था मेरा, ख़त्म हो चुका था तो मैंने इसको फेंका नहीं, क्योंकि मुझे पता था मुझे कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ ही जाएगी। तो मैंने इसमें बना के रखा हुआ है और मैंने 1/2 कप इसमें पानी डाला था। एंड यू किस तरह से दिखाऊँगा, गिर जाएगा, शायद नज़र आ ही जाए, लाइक इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होती है और बहुत ज़्यादा रेड होता है। इवन कि आपके ये देखें इस तरह से इतना ही रेड होता है। और जब आप इसको कैसे आप लोगों ने लगा के सोना है, आपने इसको रात को अपने लिप्स के ऊपर लगाना है, ठीक है। सोने से पहले आपने इसको अपने लिप्स के ऊपर लगा लेना है, उसके बाद जी वो सूख जाएगा। देन आप लोगों ने उसके ऊपर सेकंड कोट करनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड मैं इस तरह से करती हूँ, आप लोग एक भी लगा कर सो सकते हो, नॉट अ बिग डील। लाइक ये पूरी सर्दियाँ इसी तरह से आप लोगों ने इसको लगाते जाना है और आप लोगों के लिप्स बहुत ज़्यादा पिंक हो जाएंगे। और सुबह के वक्त, रात को ये आप लोग लगा के सो गए, ठीक है, और सुबह उठ के आप लोगों ने पानी से अपने लिप्स को साफ़ कर लेना है, या जैसे आप फेस वॉश करोगे तो ये उतर ही जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ना एक नेचुरल रेड सा इफेक्ट आपको अपने लिप्स पर नज़र आएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि कोई भी लिप बाम लेनी है या वैसलीन, आप जो भी अपने लिप्स पर लगाते हो ना उसको लगा लेना है। और इससे क्या होगा कि आपके लिप्स मॉइस्चराइज भी रहेंगे और आपके लिप्स आहिस्ता आहिस्ता पिंक भी होते जाएंगे, रेड होते जाएंगे, और ये नेचुरल है। तो ये जी, तो नेक्स्ट टिप इज़ अबाउट अवर हैंड, फीट एंड बॉडी के किसी भी पार्ट में जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है और ख़ारिश भी होती है, अजीब सा फील होता है, स्पेशली शॉवर लेने के बाद ये बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोगों ने क्या लेना है, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने लेना है रोज़ वाटर, ठीक है। रोज़ वाटर की बॉटल मिलती है, लाइक इस तरह से रोज़ वाटर की बॉटल आती है, ठीक है। कोई भी आप लोग ले लो रोज़ वाटर, ठीक है। नहीं इस तरह का लेना तो कोई जो छोटी आती है ना वही ले लो, ठीक है। रोज़ वाटर लेना है, उसके बाद आप लोगों ने उसमें ऐड करनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मैं मुझे समझ नहीं आती हूँ किस तरह से बताऊँ, लाइक मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, तो आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है ग्लिसरीन, ठीक है। रोज़ वाटर की क्वान्टिटी आप लोगों ने ज़्यादा रखनी है और ग्लिसरीन की क्वान्टिटी कम रखनी है, क्योंकि अगर ग्लिसरीन की क्वांटिटी आप रोज़ वाटर के अकॉर्डिंग रखोगे या उससे ज़्यादा रख लोगे ना, तो फिर वो आपके हाथों पे चिपकेगा वो, क्योंकि ग्लिसरीन मीठी होती है ना,
तो चिपकने से फिर आपको बहुत अजीब सा फील होता है। इसलिए रोज़ वाटर की क्वांटिटी रखिएगा ज़्यादा और ग्लिसरीन की क्वांटिटी रखिएगा कम। इसी तरह की बॉटल में आप लोगों ने डाल के उसको जब भी लगाना है यू शेक करके लगाना है। इसी इसमें मेरा वही बना हुआ है सारा, ठीक है। और मैं विंटर्स में यही यूज़ करती हूँ तो हाथ क्या रहते हैं, मॉइस्चराइज रहते हैं और कोई भी इस पर क्रैकिंग नहीं होते, ड्राइनेस नहीं होती। आपकी बॉडी पे कहीं भी ड्राइनेस हो रही है ना, आप उसको इसको स्प्रे कर लो वहाँ पर। और अगर आप अपने फेस पर लगा रहे हैं इसको, स्पेशली वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं ना और उनकी यहाँ से चीक्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, तो उनके लिए बेस्ट रहता है कि आप लोग इसको लोशन में इसके एक दो ड्रॉप्स ऐड करो और उसको अपने फेस पर अच्छे तरीके से लगा दो, बेस्ट रहता है। और बिल्कुल आपकी ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है, ड्राइनेस तो ख़त्म होती है जी। तो हमारे हाथों की भी बात हो जी तो हमारे हाथों की भी बात हो गई, हमारे लिप्स की भी बात हो गई, हम अपने पाँव को किस तरह से भूल सकते हैं। वैसे पाँव के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है कि आप लोग सोते बैठते उठते जाते जहाँ भी जा रहे हैं ना, आप लोगों ने बस इसकी स्प्रे करते जाना है। आप लोगों को अपने पाँव और अपने हाथों में मुँह में भी काफ़ी ज़्यादा इससे फ़र्क नज़र आएगा और आपके बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे नर्म स्मूथ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगी एड़ियों के बारे में। एड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा क्रैकी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं सर्दियों में, स्पेशली मेरी भी इसी तरह के सीन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। और सिर्फ लोशन लगाने से या सॉक्सेस पहन लेने से ये तो बिल्कुल भी नहीं ठीक होती। और आप लोगों के हाथों के साथ, मुँह के साथ आप लोगों के पाँव का भी प्यारा और खूबसूरत होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैटर करते हैं आप लोगों के पाँव। तो एड़ियों के लिए आप लोग क्या करें कि अब वैसे ही सर्दियाँ हैं और गर्म पानी से शॉवर लिया जा जाए, तो आप लोग क्या करो कि गर्म पानी में एक दो मिनट के लिए अपने पाँव अच्छी तरह से सोप करके रखें। उसके बाद आप लोग अपने पाँव पर और हाथों पर स्क्रब करें। अब ये नहीं है कि हाथ और पाँव, मुझे पता है हैंड और फीट का अलग स्क्रब मिलता है, बट अब हम लेने नहीं चले जाएंगे, तो मैं तो जो फेस पर करती हूँ स्क्रब वही अपने पाँव पर भी और हाथ पर भी कर लेती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों के हाथ स्मूथ हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा जो ड्राइनेस और अजीब सी जो गंदमंद होता है वो उतर जाएगा। तो जी लास्ट आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह का मिलता है बाज़ार से, अब मुझे इसका नाम नहीं आता, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये आप लोग क्या करो कि अपने पाँव के जो एड़ियों वाली साइड होती है ना, पाँव के लाइक नीचे वाला सारा हिस्सा, उस पर इसको अच्छे तरीके से इसको भी मैं एक दो मिनट के लिए गर्म पानी में सोख करके रखती हूँ, ठीक है। स्क्रब करने के बाद इसको अपने एड़ियों वाली साइड पे मारते हैं और इससे आप लोगों की जो ड्राइनेस होती है ना एड़ियों की, वो बहुत ज़्यादा उतरती है। सो ये ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, हम अपना तो ख्याल रख ही सकते हैं ना, किसी का तो नहीं करना, हमने खुद का करना है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। और ये आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना कि आप रोज़ अपने पाँव पर स्क्रब कर रहे हो, रोज़ जो है उसको गर्म पानी में सोप कर रहे हो, नहीं। जब जब आप शॉवर लो तब तक ये काम करो और एड़ियों पे वैसलीन लगा कर और सॉक्सेस पहनने वाला काम तो आप लोग करें रोज़। और इससे एक महीने के अंदर या दो हफ्तों के अंदर अंदर आप लोगों को अपने पाँव में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आने लगेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।